Manuel. Excuse me, Manuel. एकदम सामने देखो आप, बिलाल के कैमरे में देख रहे हो, मान लो एकदम सामने। मैम राइट में, वन good, it's a different experience altogether. Big Boss was a different experience. खतरों के खिलाड़ी बहुत ही different था, तो मेरे लिए मैंने ऐसे दो चीज़ें कर ली कि मैं अपनी next generations और next generations को flaunt कर सकती हूँ, you know what, your nanny's done this. The kind of things I've done in खतरों के खिलाड़ी were insane. Like मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं इस तरह की चीज़ें कर पाऊँगी या मैं करने के काबिल भी हूँ. और जब मैंने ये किया तो मुझे ऐसा लगा कि you are capable of doing so much that you don't realize until it's life and death, until it's winning and losing. So mostly life and death, because though hamare paas itni safety thi, sare safety gears the, log the, divers the, sab har tarike se they ensured it that hum puri tarah se safe hai, but jab aap us moment mein hote ho, ek do baar to mujhe aisa laga ki bas yahi pe it's over for me. But then I'm glad I'm alive. And मुझे बहुत सारी इंजरीज हुई है कुछ स्टंट्स के दौरान, उसके स्कार्स भी है. So now I need to get treated. But I've had an incredible experience. बहुत ही ज़्यादा memorable था और यादगार रहेगा. बहुत it was totally painful, very painful. क्या क्या adventures हुआ मैंने बहुत सारे स्टंट्स किए, वो हर तरीके के स्टंट्स किए. मतलब मुझे लगता है ऑन मदर अर्थ ऐसा कोई एनिमल नहीं बचा होगा जिसके साथ मैंने स्टंट नहीं किया. बीट फायर, बीट स्पीड, बीट हाइट, बीट एनिमल, क्रीपी क्रॉलीज, वाटर, एयर, एवरीथिंग. आई हैव डन स्टंट्स रिलेटेड टू एवरीथिंग एंड आई एम सो ग्लैड दैट मुझे ये करने का मौका मिला, क्योंकि ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है. और जिस स्टेट ऑफ माइंड से मैं खतरों के खिलाड़ी में गई थी और जिस स्टेट ऑफ माइंड से मैं खतरों के खिलाड़ी से बाहर निकली हूँ, बहुत फ़र्क है. आई फील सो मच मोर फियरलेस राइट नाउ. सो वन थिंग लाइक यू फील कि मतलब अब मुझसे नहीं हो पाएगा, बट स्टिल यू अचीव्ड. मुझे ऐसे लगा था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, पर जब एक कंपेटिटिव स्पेस में आप होते हो, जब आपको पता होता है कि सब लोग कर रहे हैं तो वाई नॉट. एंड मोस्टली ऐसा होता था जब भी मैं स्टंट परफॉर्म करती थी, हमेशा मैं पहली होती थी. मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक 99-95% टाइम्स मैं फर्स्ट परफॉर्म करने जाती थी, तो इसकी वजह से मैं ज़्यादा डरी हुई होती थी, क्योंकि मैंने देखा नहीं है कैसे करते हैं, कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, एब्सोल्युटली क्लूलेस. बट आई डिड इट एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई डिड इट. मतलब मुझे कुछ चीज़ों का डर लगता है लाइफ में, और उनसे मैं रूबरू हुई, उनसे फेस टू फेस हुई हूँ. और जब वो करने के बाद एक अलग सी फीलिंग आई, एक अलग सी रिलीव्ड फीलिंग आई. यू नो व्हाट, इट्स एक्चुअली नॉट दैट स्कैरी, इट्स ऑल अबाउट योर माइंड. तो हमेशा अपने आप को कंडीशन करना पड़ा, अपने ब्रेन को कंडीशन करना पड़ा, माइंड को, कि यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, नो मैटर व्हाट यू कैन डू दिस, यू नॉट गोना डाई. तो मैं अपने आप को हमेशा ये महसूस कराती, हमेशा हमेशा ये याद दिलाती कि वट एवर डजेंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर. तो बस उसी के भरोसे, उस वही सोच सोच के मैं काफ़ी आगे तक चली गई. जी मैं बहुत खुश हूँ अपनी परफॉर्मेंस से. अब जहाँ तक मैं पहुँची हूँ शो में, मैंने उम्मीद नहीं थी कि वहाँ तक मैं पहुँचूँगी. और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि लाइक आई एम वेरी हैप्पी, आई फील लाइक वाओ वेल डन, यू नो. सो नाउ आई कांट रियली टेल यू कि मैं कब बाहर हुई, कब मैं अंदर थी, बट मुझे ऐसे लगा कि मैं बहुत जल्दी निकल जाऊँगी, हो सकता है पहले वीक में, बट ऐसा नहीं हुआ. सो आई एम ग्लैड. मैं ये नहीं कहूँगी कौन सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था, क्योंकि जितने भी खिलाड़ी थे, हर इंसान का एक फोर्टे था. कोई इंसान किसी में कम है तो कोई वही इंसान किसी और में ज़्यादा है. मैं शायद किसी एरिया में, किसी सेगमेंट में, किसी स्टंट
के कैटेगरी में अच्छी हूँ, तो कहीं पे बहुत ही घटिया परफॉर्म किया है मैंने, ऐसा भी हुआ है. तो ये ऐसा शो है यहाँ पे कोई प्राउड होके ये नहीं कह सकती यू नो व्हाट आई एम द बेस्ट, नोबडीज कैन से इट, इवन द विनर कैन नॉट से इट, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी हारी होगी या हारा होगा जो भी होगा, बट वी हैव डन इट ऑल, लाइक ऐसे कुछ नहीं बचा. स्पेशली मेरे केस में मुझे ज़्यादा स्टंट्स करने पड़े, सो मुझे उस चीज़ का ज़्यादा एक्सपीरियंस आया. पर हर इंसान बहुत कंपेटिटिव था, हर कंटेस्टेंट, मैं कहूँगी जो कंटेस्टेंट सबसे पहले निकला और जो कंटेस्टेंट सबसे आखिरी निकला शो से, हर एक कंटेस्टेंट हाईली कंपेटिटिव था, कोई किसी से कम नहीं था. बहुत अच्छा लगा. ही इज़ यू नो व्हाट आई लाइक अबाउट हिम इज़ दैट वो बहुत इस स्टंट के सेक्टर में, एक्शन के फील्ड में इतना रह चुके इतने सालों से, उन्हें बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत तजुर्बा है इस चीज़ का. तो जब भी हम कुछ करते थे तो मैं उनसे पूछती थी क्या लगता है सर ये कैसे, तो ऐसे कुछ वो ये नहीं करते थे जिससे मैं जीत जाऊँ, पर एक बेसिक आइडिया देते थे कि यू नो इस तरीके के स्टंट को ऐसे हैंडल किया जा सकता है, उस तरीके के स्टंट में वैसा. सो ही इज़ अ ट्रेजर ऑफ नॉलेज, जब भी हम उनसे बात करते थे कुछ नई नई चीज़ें पता होती थी एक्शन के बारे में, बिहाइंड द सीन्स जब भी हम बात करते थे जब शूट नहीं करते थे, तो उनसे बहुत कुछ सीखा है. और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर माशाल्लाह, या ही विल मेक यू लाफ लाइक एनीथिंग, सो ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, वेरी हैप्पी टू मीट हिम. सो लास्टली व्हाट यू अचीव्ड आफ्टर द शो एंड व्हाट यू वांट टू से टू योर फैंस एंड व्यूअर्स? आई हैव अचीव्ड अ स्टेट ऑफ आई हैव अचीव्ड अ फीलिंग दैट देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड एनी ह्यूमन बीइंग इज इनकेपेबल ऑफ डूइंग इट. You only realize it when you actually do it and push yourself so hard, like there's no option. And when you get the results, you're so shocked. You'll be so shocked and you'll be so surprised that you're capable of doing so much. And I think that's the biggest lesson I've learned. I would like to tell them that, guys, like, you've supported me so much throughout and you've been an incredible part of my life. So be there, always be there to support me and love me as much as you do because I love you more. And yeah, keep watching Khatron Ke Khiladi. That's where the action begins on the 22nd July, only on Colors. Thank you so much. Yes, thank you. Hello.